जनता पार्टी के साथ एक कार्यकर्ता ने गद्दारी करी है। गद्दार किसी का भाई नहीं होता है। इनने पार्टी के साथ गद्दारी की है, अब वो पार्टी के ना है ना रहेंगे। अभी हमारी पुनर्वास वापसी किसी की होती नहीं है। पार्टी अगर नीमच की राजनीति में जिरन क्षेत्र का खासा प्रभाव रहा है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टी की हार जीत तय करने या संगठन को मजबूत करने की जिरन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की अनदेखी करना नामुमकिन है। इन दिनों नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार के दीपावली के बाद लोगों से मेल मिलाप के लिए जिरन का दौरा काफी चर्चा में बना हुआ है, खास तौर से जिरन नगर में। दीपावली के बाद से ही गुलाबी ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दी है, मगर इस गुलाबी ठंडी के बीच नीमच विधायक के जिरन दौरे ने भाजपा के राजनीतिक तापमान को जिरन में काफी बढ़ा दिया है। इसकी मुख्य वजह विधायक दिलीप सिंह परिहार के जिरन दौरे के समय नगर परिषद उपाध्यक्ष मुकेश तावरे से गलबैया करना है। दरअसल नगर परिषद चुनाव के समय मुकेश तावरे ने पार्टी लाइन से हटकर बगावती तेवर अपनाए थे। उस समय विधायक जी को तावरे विद्रोही लग रहे थे। यह बात भी सर्वविदित रही है कि मुकेश तावरे एक समय विधायक जी के खासम खास सिपा सालार रहे हैं, मगर उस समय विधायक जी ने भेरू.com से चर्चा में क्या कुछ कहा था, पहले आप यह सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक कार्यकर्ता ने गद्दारी करी है। गद्दार किसी का भाई नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी की नगर पंचायत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम की पराकाष्ठा की और पार्षद जिताकर भेजे। हम निर्दलीय और भारतीय जनता पार्टी के 8 पार्षद हम हो रहे थे। मुकेश राव तावरे जो नगरपालिका भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तहत जीते, उनने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ गद्दारी की है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी बात करके हमने उनको पार्टी से भी निष्कासित किया है। और मैंने भारतीय जनता पार्टी की जो अध्यक्ष बहन लड़ी है श्रीमती राजूरा, और जो हमारे पार्षद हमारे साथ थे, मैं उनको विश्वास दिलाया है कि केंद्र प्रदेश और सांसद हमारे प्रदेश में, आप मुख्यमंत्री, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपके को सारे काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है। आज देख रहे हैं जो जहाज डूबता हुआ होता है उसमें कोई बैठना नहीं चाहता है। पूरे नीमच जिले में ये कलंक का दाग लगा है जीरन में। इसको मैंने आत्मलोकन करूँगा, इसमें कहीं ना कहीं गलती हुई है, जिन लोगों को हम पहचान नहीं पाए, और ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार पार्टी से कहकर और संगठनात्मक जिनने विरोध किया है, पार्टी के साथ गद्दारी की, उनको बख्शा नहीं जाएगा। स्थिति ऐसी कहीं बनी नहीं है। आप देख लो, जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं पूरे ज़िले में, वहाँ कांग्रेस के यदि ज़्यादा भी जीते हैं तो भी वो भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति की वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। ये इनके व्यक्तिगत स्वार्थवश इनने पार्टी के साथ गद्दारी की है, अब वो पार्टी के ना है ना रहेंगे। इनने पार्टी के साथ गद्दारी की है, अब वो पार्टी के ना है ना रहेंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है, अभी चर्चा है, जन चर्चा है, कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको यह कह के वापस ले लिया जाएगा कि ठीक है पुनर्गठन। अभी हमारी पुनर्वास वापसी किसी की होती नहीं। पार्टी अगर निर्देश देती, जैसे अभी हमने जो पार्षद निर्दलीय लड़े थे उनको भारतीय जनता पार्टी की में वो लोग शामिल हुए, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। हमारा संगठन निर्णय लेता है, हम व्यक्तिगत कोई कुछ भी नहीं करते। मैं स्वयं भी संगठन का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने, ये संगठन ने मुझे विधायक बनाया है और मैं जैसा संगठन निर्देश देता है उसका मैं पालन करता हूँ। और बाद में हम यह सुनेंगे कि अब विधायक जी कॉन्ट्रोवर्सी पर क्या कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, भेरू.com और SBCN टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूँ नीमच कृषि उपज मंडी में और हमारे साथ नीमच विधायक दिलीप सिंह जी परियार हैं, जिनसे चर्चा करेंगे। चर्चा ये है कि कल इन्होंने जो जीरण है का नगर का दीपावली के उपलक्ष्य में निरीक्षण किया था, लोगों से मुलाकात की थी, और वहाँ को जो चर्चा हुई उपाध्यक्ष अध्यक्ष से मिलने के दौरान और जिस तरह की खबरें अखबारों में छपी है, उसके बाद उस मामले पर क्या कहना है। दरअसल जो जीरण के नगर उपाध्यक्ष हैं मुकेश तावरे, उनको भाजपा से निकाल दिया गया था बगावत के चलते हुए। विधायक ने गद्दार कहा था और उसी गद्दार व्यक्ति से मिलने के किस तरह का माहौल बना और किस तरह का माहौल जीरण में है, उसको लेकर अपना जो रुख है वो यहाँ विधायक दिलीप सिंह परिहार बताएंगे। जी भाई साहब, कल आप मिले थे मुकेश जी तावरे से और जो अखबार में खबरें छपी
फोटो की उनकी घर वापसी हो रही है, और ये एक स्टेटमेंट अपने ही हमारी भेरू डॉट कॉम पर आपने कहा था कि गद्दार है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और आप फिर मिले तो क्या है मामला, वापसी हो रही है क्या उनकी? सरकार लगातार काम कर रही है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब और हमारे बी डी शर्मा जी संगठन को मजबूत कर रहे हैं, लगातार काम में लगे हैं। अमृत टू योजना की समीक्षा थी जो लगातार चलती रहती है, नीमच नगर पालिका की अध्यक्ष स्वाति गौरव चोपड़ा, हमारे SDM मैडम ममता खेड़े जी और मैं और वहाँ के इंजीनियर सब नगर पालिका नीमच में हमने समीक्षा बैठक ली, और लगभग 5.5 करोड़ रुपए की जो अमृत टू की योजना थी, जो पुलिया जो हमें टंकी बनाना पाइपलाइन की, इसी प्रकार की एक बैठक जीरन में भी आयोजित की गई थी, जहाँ जीरन में नगर पालिका के अध्यक्ष सगवारिया जी, मैडम ममता जी और मैं स्वयं और हम लोगों ने वहाँ बैठक की, समीक्षा की। वहाँ भी 3 करोड़ रुपए की लगभग की हमने प्रस्ताव पास करके भेजे। जब प्रस्ताव पास करने के बाद कुछ परिवारों में गमी हो गई थी, वहाँ गमी में बैठ कर जब हम आ रहे थे तो नगर मंडल अध्यक्ष और सब लोग हमारे साथ में थे, कुछ लोगों ने माला लेके खड़े थे और कार्यकर्ता थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के, और उनने मुझसे कहा कि आप दिवाली मिलना है, दिवाली की मिठाई खाना है, तो वो उतरा मेरे को, उनने माला पहनाई, मैंने उनको माला पहना दी, दिवाली की शुभकामना दी, गले मिले। अब गले मिलने में कांग्रेस के नंदकिशोर पटेल जी अभी मिले मेरे को, मैं उनसे गले मिला, उमराव सिंह गुजर हमको मिले उनसे गले मिला, जाजू जी से मिलता हूँ या अंजना जी से सबसे मिलता हूँ। दिवाली में हम सब लोग राजनीति में जीतने के बाद जनप्रतिनिधि सबका होता है, और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास से ही आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। तो अब इसमें कोई भी कोई सा भी क्लास लगाए, हम सारे लोगों ने जीरन में पूरे दिवाली की शुभकामनाएं दी, दुकान पे हमको लोगों ने मिठाइयां खिलाई, पूरे जीरन में घूम के हम आए, और जब हम देखते हैं कि कई कार्यकर्ता अति उत्साही होते हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक कार्यकर्ता ने हमारे वहाँ बढ़िया फोटो वोटो लगा के और दिवाली की शुभकामनाएँ दे रखी थी, तो उसके घर भी चाय पीने गए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का मेरे कहने से कोई निर्णय होता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी निर्णय करते हैं, पार्टी का संगठन निर्णय करता है, और हमारा ये है कि दिवाली सबसे मिलना चाहिए। और राजनीति में चुनाव जब होते हैं तब मैं आमने सामने होता हूँ, जिस मंडी प्रांगण में खड़ा हूँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने झगड़ा किया है, यहाँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राण भी चले जाए तो हमें चिंता नहीं रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, उसकी सेवा करना हमारा दायित्व है, कोई कैसा भी क्लास लगाए या आकलन लगाए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी का सेवक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते सबको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। गरीब हो, अमीर हो, लखपति हो, छोटा हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, समाजवादी हो, सबको गले लगाने का काम हमारा है और हम लगाते रहेंगे। भाजपा जीरण के भाजपा कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जो माँ है, माँ के साथ गद्दारी करने वाला व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात हुई और उसकी घर वापसी हो रही, इस पर मामले कोई किसी की कोई घर वापसी नहीं होती, हमारे यहाँ संगठन विचार करता है और संगठन ही घर वापसी करता है, मैं कोई करने वाला नहीं, मैं जनप्रतिनिधि आदमी हूँ और जनप्रतिनिधि का ये दायित्व है, अगर दिवाली है, होली है, दुख है, सुख है, यदि कांग्रेस के यहाँ भी मौत हो जाती है तो हम बैठने जाते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं। दिवाली में यदि कोई आया है, मेरे वहाँ नगर पंचायत का अध्यक्ष है, वो मेरे से मिला, मेरे को माला पहनाई तो मैंने उसको गले लगाया, जीतने के बाद हम सबके हैं और विकास के काम के लिए वहाँ हमने नल जो योजना थी उसके लिए 2 के लिए हमने स्वीकृति प्रदान की है। ये छोटी मानसिकता है, जो लोग छोटी मानसिकता करते रहे, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, सबको स्नेह देती है, स्नेह की वजह से ही कांग्रेस जाती हुई नजर आती है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आती हुई नजर आती है। आज हम देखते हैं, जब भी माननीय मनमोहन सिंह जी मिलते हैं, नरेंद्र मोदी जी उनका अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो हम भी सबका अभिवादन करते हैं, स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं, और ये हमारी परंपरा रही है। और जब चुनाव आते हैं तब आमने सामने रहते हैं, हम हमारे विचार बोलते हैं, वो उनके विचार बोलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिन्होंने बिना नाम लिए काफ़ी कुछ कह दिया लेकिन ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि मुकेश तावरे से मुलाकात क्यों हुई थी।